एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ नाइट फेस पैक, एक आपके लिए लेके आई हूँ नाइट फेस पैक। तो नाइट फेस पैक के मैं आपको उसके फायदे भी काफी हद तक बताने वाली हूँ। आपकी किसी भी टाइप की स्किन हो, आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे ऑयली हो स्किन हो, चाहे सेंसिटिव हो, या फिर कैसी भी आपकी स्किन हो, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं नाइट में, क्योंकि नाइट में हमारी स्किन रिपेयर होती है। अगर नाइट में हम अपनी स्किन को थोड़ी सी और केयर दे दें ऊपर से, तो हमारी स्किन काफी बेटर बन सकती है, काफी अच्छी हो सकती है। तो गाइस, आज मैं ऐसे ही एक फेस पैक लेके आई हूँ नाइट में, जो आप अगर डेली यूज करेंगे तो आपकी स्किन पे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके दाग धब्बे हैं तो काफी हद तक वो कम कर देगा। तो मैं उसको काफी 1 वीक से यूज कर रही हूँ एंड उसने मेरे दाग धब्बे काफी हद तक कम किया। मैं यहाँ फेस पे देख सकते हैं, मैंने फेस धो रखा है, इस समय कुछ भी नहीं है फेस पे मेरे में, ओनली लिपस्टिक और काजल लगा हुआ है। आप फेस पे देख सकते हैं हल्के हल्के आपको मेरे यहाँ दाग मिल जाएंगे। तो काफी हद तक इसने कवर किए हैं, काफी हद तक कम किए हैं। तो मैं आज ये यूज कर रही हूँ इसी फेस पैक को, हफ्ते भर हो गया, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। अगर आपके दाग धब्बे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, काफी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये मैं आपको अभी फेस पैक बना के दिखा देती हूँ, सारे इंग्रीडियंट्स इसके दिखा देती हूँ, क्योंकि नाइट फेस पैक का आपको जो कि आपको मार्केट में काफ़ी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेंगे। तो हम क्यों ना घर पर यूज़ करें, घर के प्रोडक्ट यूज़ करके हम बना लें, जिससे कि हमको कम पैसे में अच्छा रिजल्ट मिल जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट काफ़ी हद तक ये रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाला है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं वो फेस पैक क्या है। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, एक बाउल मैंने ले लिया है, इसमें सबसे पहले मैं हल्दी ले रही हूँ। हल्दी एंटीबायोटिक गुड़ होती है, ये आपके पिंपल्स को कम करता है, दाग धब्बों को रिमूव करने में काफी हद तक होता है, स्किन के कलर को लाइट करने में मदद करता है। तो करीब आधी चम्मच आप हल्दी ले लीजिएगा। तो मैंने आधी हल्दी चम्मच हल्दी ले ली है एंड साथ में हम लेंगे यहाँ पर एलोवेरा जेल। ये मैं यहाँ यूज कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप चाहे तो अगर आपके पास लीव है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ले लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है। इसमें लेंगे अब हम शहद। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है और स्किन को काफी हद तक बहुत ही अच्छे निखारता है, अंदर से जाके स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है। तो एक चम्मच हम यहाँ पे ले लेंगे शहद। और सबसे मेन चीज अब हमको यहाँ पर लेनी है 1, यहाँ पर लेंगे विटामिन ई कैप्सूल, क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल में काफ़ी अच्छे गुड़ होते हैं, विटामिन ई स्किन में ही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप 6 कर करके, चाहे आप पिन से कर लीजिएगा, किसी से भी कर लीजिए। तो ये मैं निकाल लूँगी, इसमें सारा लीव्स की इसमें डाल लूँगी ऑयल इसका। तो ये मेरा हो गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये फेस पैक अगर आप डेली आप यूज़ करेंगे तो चाहे तो हल्दी कम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको रात पर ना छोड़ें अपनी स्किन पे, क्योंकि स्किन पर रात पर आप छोड़ेंगे तो आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपकी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा स्किन है तो भी आप अपनी स्किन में रात भर ये ना छोड़ें। अगर आपकी कम ड्राई है एंड आपकी ऑयली स्किन है तो रात भर बिल्कुल ना छोड़ें, 20 से 25 मिनट के लिए लगा के फेस पे इसको फेस को धो लीजिएगा। क्योंकि अगर ऑयली स्किन पर अगर आपने रात भर इस फेस पैक को छोड़ दिया तो आपकी स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑयली स्किन में स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पोर्स एकदम बंद हो जाएंगे तो फिर पिंपल्स वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा और हो जाएंगे। तो रात भर इस फेस पैक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, मैंने सब मिक्स कर लिया है। तो वेट, मैं बालों को कवर कर लेती हूँ। तो गाइस, बालों को मैंने कर लिया कवर, अब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। मैं उंगली से लगा लेती हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, आप जैसे चाहे उसको वैसे यूज कर सकते हैं। आप या ब्रश से तो ब्रश से यूज कर लीजिएगा। आप इसको बना करके 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो गाइस, ये मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फेस को क्लीन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन पे काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा।
तो आप इसको यूज ऐसे ही करेंगे। आप इसको चाहे, ये देखिए मेरा बच गया है, तो इसको बचे हुए को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, आप इसको 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में बना के रख सकते हैं। वैसे आप चाहे तो डेली बना सकते हैं। अगर आप प्लांट का एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं तो आप इसको ज्यादा दिन तक के लिए फ्रिज में ना रखें, क्योंकि ये फिर सेफ्टी नहीं रहेगी। अगर आप बाजार का एलोवेरा यूज कर रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में 3 से 4 डे के लिए रख सकते हैं, 3 से 4 डे के लिए आराम से रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा निखार दे देगा। तो मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, मैं मिलती हूं आपसे ड्राई होने के बाद। तो गाइस, इसको मेरे फेस पे 10 मिनट करीब हो चुके हैं, तो मैं फेस को इसको मसाज करके, आपको राउंडली मसाज करनी है पूरे फेस पे, आपको अच्छे से मसाज करनी है 5 या 2 मिनट के लिए, रात चाहे। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आप सभी फेस धोने के बाद। ओके, तो गाइस देख सकते हैं मैंने फेस को धो लिया है, और फेस देख सकते हैं आप मेरा काफी हद तक क्लीन लग रहा होगा। तो फेस मैं धो चुकी हूँ, हल्का पीलापन फेस पर रहता है क्योंकि हल्दी की वजह से पीलापन हल्का सा रह जाता है, लेकिन ये पीलापन सुबह तक आपका रिमूव हो जाएगा। सुबह फेस वॉश करेंगे तो अच्छे से आपका ये पीलापन जो है वो निकल जाएगा। आप अगर आपका पीलापन ज्यादा लगता हो तो आप हल्दी कम यूज कीजिएगा, थोड़ी चुटकी पर यूज कर लीजिए। हल्दी में एंटीबायोटिक गुड़ होते हैं, तो हमारे पिंपल्स दाग जो कीड़े होते हैं ना, कीटाणु वगैरह अंदर जो स्किन के हो जाते हैं कभी कभी बाई चांस, तो उसको रिमूव करने में काफी हद तक मदद करता है, और दाग धब्बों को भी लाइट करने में मदद करता है। तो आप कोशिश करें हल्दी थोड़ी सी यूज कर लीजिए, या फिर ऑर्गेनिक हल्दी यूज करेंगे, यहाँ पर घर वाली हल्दी यूज मत कीजिएगा। तो गाइस देख सकते हैं माई फेस, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय वीडियो।